सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और पुलिस सहायक के बचे हुए पद पर नियुक्ति। अभ्यर्थियों की मांग है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के बचे हुए पद पर नियुक्ति की जाए। और अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग वोटिंग लिस्ट नहीं जारी कर रहा है। बता दें कि 2016 में यूपीएससी ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और कनिष्ठ सहायक की नियुक्तियां निकाली थी। 18 जनवरी 2018 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। ग्राम विकास अधिकारियों की अंतिम नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 300 से अधिक सीटें बची हुई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच ने आदेश जारी करते हुए आयोग को 21 दिसंबर 2018 तक कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभ्यर्थियों ने आप चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे वो भूख हड़ताल करेंगे। और आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा ने कहा का कहना है कि अभ्यर्थियों की नियुक्तियां शासन आदेश के अनुसार ही की गई हैं। भर्ती के शासन आदेश में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, लिहाजा नियुक्ति नहीं की गई है। जब तक शासन से व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं वेटिंग लिस्ट बनाया जाना है, तो ये बात भी सही है कि कभी कभी तो ये भी होता है कि हम लोग को पूरे अभ्यर्थी भी नहीं मिलते हैं, और कभी कभी ये होता है कि जो अभ्यर्थी हम संस्कृत करते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। बट व्यवस्था भी यही है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। एक बार जब संस्कृति हो जाती है, वो परीक्षा समाप्त कर दी जाती है, तो उसके बाद वो नए वैकेंसी के रूप में ट्रीट होकर नए अध्याचन में उसके बारे में कार्रवाई होती है। संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला अधिक जानकारी के साथ जुड़े। चंद्रमणि, यूपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर रिजल्ट आने के बाद में जिस तरह से अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद कुछ पद खाली रह गए हैं जिसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें या यूपी ट्रिपलएससी के अध्यक्ष की बात करें, तो उनका कहना है कि शासनादेश में इस तरह का किसी भी चीज का जिक्र नहीं था कि इस तरह की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जहां एक तरफ यूपी ट्रिपलएससी अड़ा हुआ है कि इस तरह के शासनादेश का कोई जिक्र नहीं किया गया था, तो वहीं अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। जी शुक्रिया चंद्रमणि तमाम जानकारी के लिए। तो अभ्यर्थी प्रदर्शन करें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर आपको बता दें ये प्रदर्शन किया जा रहा है।